मूवी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करने की बात बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग उनमें कंप्लीट तरीका ही बताते हैं कैसे आपको मूवी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करनी है, और बहुत लोग बस ऐसी बकवास करके चले जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको लेजिट मूवी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, किस चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी। प्लस मूवी वेबसाइट की जब बात आती है, मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट की, तो वहां पर क्या सिस्टम होता है कि आपको डाउनलोडिंग करानी होती जो कि इल्लीगल है, मतलब आप पायरेसी करवा रहे थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब डाउनफॉल भी आते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी मूवी को, किसी सीरीज को डाउनलोड करवा रहे हैं तो वो सबसे पहली बात तो इल्लीगल है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो एडसेंस है, आप अगर एडसेंस यूज कर रहे हो तो वो उसमें एडसेंस अकाउंट बैन होने का खतरा रहता है। और तीसरी बात ये है कि जब मूवी रिलीज होती है उस टाइम पर मूवी का जो सर्च वॉल्यूम उसका बस काफी ज्यादा रहता है, लेकिन करीब एक हफ्ते, दो हफ्ते या फिर मैक्सिमम एक महीने बाद वो सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है। और एज अ न्यूबी एसईओ, न्यूबी ब्लॉगर, आप अगर कोई आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो आपको रैंक करने में लगभग 15-20 दिन, एक महीना लग रहा है, जब तक तो उसकी बस भी खत्म हो जाती। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डाउनफॉल होते हैं। बट आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा एक वे बताने वाला हूँ जिसमें आप एवरग्रीन जो टॉपिक्स लिखेंगे, जो ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे अपनी मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट के लिए, वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा सर्च किए जाते हैं ऐसे टॉपिक्स। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम अ मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गूगल खोल के रखा है। तो आपको मैं सबसे पहले एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा जिसका नाम है बडी टीवी। ये बडी टीवी करके एक वेबसाइट है जो कि इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो मैं एक टर्म को इस बडी टीवी को इस यहाँ पर बडी टीवी, अमेरिकाज टीवी न्यूज, मूवी न्यूज एंड रिव्यू सोर्स, ये इस तरह के काफी जानी मानी वेबसाइट है जो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस है। तो इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पर कुछ इस तरह से मेन्यू आपको देखने को मिलने हैं, जहाँ पर आपको टीवी शो, मूवी शो, एक्टर्स एंड गाइड्स एंड रिव्यूज एंड न्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनका थीम कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, न्यूज लेटर के लिए साइन अप कर सकते हैं, देन सोशल मीडिया दे रखी है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह से लिख के रखा है। अब एक बार को मैं इसका आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कि एलेक्सा है, एलेक्सा ये क्या सिमिलर वेब के ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, और आप यहाँ पर देखिए इनका ग्लोबल रैंक देखिए इतना हाई है। यहाँ पर इनका कैटेगरी रैंक इनका 2400 यहाँ पर लगभग है। इनका बाउंस रेट 48% पेज पर विजिट, यानी कि एक बंदा जब यहाँ पर विजिट करता है वो मिनिमम एक से दो पेज यहाँ पर विजिट करता है। और इनका मंथली विजिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1,85,000 के आसपास इनकी मंथली विजिट्स हैं। तो इससे बात से आप अंदाजा लगा ही पाते होंगे कि यूएस के अंदर इस इतने लेवल का ट्रैफिक आता है तो ये लोग कितना अर्निंग करते होंगे। यहाँ पर ये लोग मिनिमम पर डे का $100 to $200 इजीली निकाल लेते होंगे। अब इस तरह की वेबसाइट आपको कैसे निकालनी, प्लस इनका इतना ज्यादा ट्रैफिक कैसे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने मूवी वेबसाइट में जनरली लोग क्या करते हैं, जो मूवी रिलीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी आई थिंक एंटमैन क्वांटमेनिया करके एक मूवी है, वो रिलीज होने वाली है, तो उसके ऊपर लोग काम करने लगे कि उनके कीवर्ड के ऊपर के डाउनलोड एंटमैन क्वांटमेनिया, इस तरह से मतलब कीवर्ड्स के ऊपर काम करने लगेंगे और उन कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट रैंक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब वो वेबसाइट रिलीज हो जाएगी, बहुत लोग की रैंक हो जाएगी, बहुत लोग वहीं पर मतलब भेड़चाल में फंसे रह जाएंगे और वो वहाँ पर कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और कुछ टाइम बाद जब उनकी वेबसाइट रैंक होगी किसी कीवर्ड पर, तब तक उस मूवी की बस खत्म हो जाएगी, बहुत लोगों ने देख ली होगी। अब इसमें यहाँ पर क्या अलग यूज किया है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑल टाइम ऐसे टॉपिक्स को चूज करते हैं जो हमेशा सर्च किए जाते हैं, जैसे कि ऑल द जेस मूवीज, ऑल द जेसी स्टोन, यानी इस एक्टर की सभी मूवीज की लिस्ट है, 12 बेस्ट स्नाइपर मूवीज यू शुडंट मिस, फिर आफ्टर मूवीज इन ऑर्डर, हाउ टू वॉच द फिल्म, यानी ये एक गाइड तरह का प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच मूवीज टू वॉच इन 2023 और 29 मतलब 2019 की टॉप मूवीज कौन कौन सी है, इस टाइम की टॉप सीरीज कौन सी है, किसी अगर मूवी सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल मार्वल की मूवीज को किस ऑर्डर में देखना चाहिए, एक्समैन की मूवीज को किस ऑर्डर में देखना चाहिए, कौन सी मूवीज कब आई थी, इन शॉर्ट जो इन्फॉर्मेटिव बेस का ये जो एंटरटेनमेंट के अंदर इन लोगों ने जो एक इन्फॉर्मेशन बेस का ये जो ट्रैफिक पकड़ा है, ये जो एक तरीका पकड़ा, इस वजह से इनके जो टॉपिक्स, जो ब्लॉग पोस्ट, वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं। इस वजह से इनको हमेशा एक कंसिस्टेंट ट्रैफिक आता रहता है। अब जैसे कि कोई अगर मान लो कोई एक मूवी है, फॉर एग्जांपल एंटमैन क्वांटमेनिया, या फिर अभी बात करें तो पठान रिलीज होने वाली है, पठान मूवी डाउनलोड, इस मतलब कीवर्ड की सर्चेस वो लगभग 1-1.5 महीना या फिर मैक्सिमम कहें तो 2 महीने रहेंगी ज्यादा। बट टॉप मूवीज टू वॉच इन 2023 ये पूरे साल रहेंगी, या फिर बेस्ट मूवीज इन 2019 ये हमेशा रहेंगी, ये कंसिस्टेंट रहेंगी, मतलब कम ज्यादा हो सकता है बट ये सर्चेस हमेशा रहती हैं इस तरह की। तो इसी प्रकार की वेबसाइट आपको हमेशा क्रिएट करने, इसी प्रकार के आपको कीवर्ड्स चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरे सैमरस के अकाउंट में आ चुका हूँ, ये पेड नहीं है, फ्री अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर एक टाइम को मूवी करके सर्च करूंगा, तो आपको यहाँ पर किस तरह के इससे कीवर्ड सर्च करनी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आप आएंगे, आपको यहाँ पर लाखों हजारों कुछ कीवर्ड देखने को मिलेगा, बट आपको यहाँ से
कौन सा चूज करना है, यहाँ की आपको क्वेश्चंस वाले एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल, ये रहा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर 1.2 मिलियन के आसपास इनके पास कीवर्ड है। अब इनमें से आपको रिफाइन करना होगा कि आपको कौन कौन से कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग टर्म कीवर्ड को चूज कीजिए स्टार्टिंग के अंदर। और अगर आपके पास ये सैमरास है तो आपके लिए बहुत ही इजी है, आप सिंपली यहाँ पर क्वेश्चंस वाले टैब में जाकर इनके कीवर्ड्स को ले सकते हैं। बट अगर आप कोई और भी टूल यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आप सिंपली फिल्टर लगा सकते हैं। अगर उनके पास क्वेश्चंस वाला इस तरह से टैब अलग से नहीं आता तो फिल्टर लगाइए हाउ व्हाट व्हाई एंड व्हेन व्हिच, इस तरह की आप वर्ड के फिल्टर लगा के ऐसे कीवर्ड्स को चूज कर सकते हैं। और उनकी मिनिमम वर्ड काउंट 5 से 6 के आसपास होना चाहिए, 5, 6, 7 ऐसा हो सकता है। और उनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम आप 1 से 2000 के आसपास मिनिमम सर्च वॉल्यूम यहां से ले सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं जिनमें आपको सर्चेस एवरग्रीन रहते हैं, जिनमें आपके ब्लॉग पोस्ट वो हमेशा उनके सर्चेस में रैंक करेंगे, उनके जो सर्चेस मतलब हमेशा लोग उन्हें सर्च करेंगे और हमेशा आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आता रहेगा। अब इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने की आपको सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आता है अपना डोमेन एंड होस्टिंग। पर्सनली मैं होस्टिंगर की डोमेन होस्टिंग यूज करता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला प्लान लेके रखा है, जिसमें करंटली अभी मैं 6 वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप लोग बेस्ट होस्टिंग की सर्च करना है तो आप सिंपली मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टॉप सबसे पहले जो लिंक दे रखी है वहां से जाके आप इस होस्टिंगर के ऑफर को अवेल करते रहते हैं, इनके पास हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है। आप सिंपली उस वहां से जाके ऑफर देख लीजिए जो भी ऑफर है। और अगर आप मिनिमम 1 ईयर की प्रीमियम होस्टिंग लेते हैं तो आपको एक डोमेन नेम फ्री में मिल जाएगा। और आप जैसे ही मतलब ज्यादा टाइम के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल के लिए ज्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो आपको उनको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम वेबसाइट बनाने के ऊपर चलते, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा, होस्टिंग में मैनेज के ऊपर मैंने क्लिक किया सिंपली। एंड देन आपको यहाँ से वेबसाइट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर वेबसाइट नेम के अंदर। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने एक डोमेन नेम जो फ्री डोमेन नेम उसे कनेक्ट करके रखा है, तो उस डोमेन नेम को मैं यहाँ से फाइंड करूंगा। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ डीवी डेमो साइट, इस तरह का मैंने डीवी डेमो साइट करके रखा है, उसे मैं सिंपली क्लिक करूंगा और इस डोमेन के ऊपर मैं अपनी एक जो मूवी वेबसाइट है इसे इंस्टॉल करूंगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली ऑटो इंस्टॉलर करके आपको यहाँ पर ऑटो इंस्टॉलर या फिर वर्डप्रेस इंस्टॉलर इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं सिंपली ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन आपको यहाँ पर सिंपली वर्डप्रेस को चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंपली आप मूवी वेबसाइट का नेम देना है, तो वेबसाइट का नेम फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ मूवी वैज्ञानिक, इस तरह से मैंने उसका नेम दिया। एंड देन मैं एडमिन एंड पासवर्ड भी सेट कर लेता हूँ। ओके, यूजर नेम पासवर्ड मैंने सेट करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। एंड इसे फिलहाल हमें सेव करना नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पर टर्न ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट कर देता हूँ। एंड सिंपली मैंने यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर दिया, फोर्स HTTPS पे क्लिक करूंगा, डीवी डेमो साइट पे रहने दूंगा एंड देन इंस्टॉल SSL के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। SSL भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपको यहाँ पर लाइफ टाइम SSL भी देखने को मिलता है अगर आप यहाँ से प्रीमियम होस्टिंग लेते हैं। देन मैं सिंपली यहाँ पर एडिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा और इसके वर्डप्रेस के लॉ एडमिन पैनल पे आऊंगा, इसे मैं सिंपली ट्रैश में डाल देता हूँ। और उसके बाद आपको सिंपली क्या आना है, आपको अपीयरेंस के अंदर आना है, थीम्स के बटन पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर एड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर थीम सेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करूंगा जनरेट प्रेस करके मैं थीम सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एंड देन इस वाले थीम को मैं सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूंगा। जनरेट प्रेस का ये फ्री वर्जन है तो मैं जनरेट प्रेस के बटन को इंस्टॉल करके एंड सिंपली एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ से सिंपली मेरी वेबसाइट का जो लुक यहाँ से सबसे पहले चेक करूंगा कि अब हमारी वेबसाइट किस तरह की दिख रही है। ये देख सकते हैं थीम हमारा एक्टिवेट हो चुका है और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की देखने को लग रही है। और इतना हो जाने के बाद आपकी वेबसाइट रेडी है टू कस्टमाइज एंड टू ब्लॉग पोस्ट। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि आपने जो भी कीवर्ड्स फाइंड किए, जो भी कीवर्ड्स फाइनलाइज किए उनके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख लें। यहाँ से आप जाके सिंपली एड न्यू के बटन पर जाकर यहाँ पे सिंपली यहाँ से ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके कीवर्ड है उनके ऊपर अपने ब्लॉग पोस्ट लिखे उन्हें ऐड कीजिए। प्लस आपको एक काम करना होगा, वो है अपने थीम को अच्छे से कस्टमाइज करना होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि थीम को मूवी वेबसाइट की थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते, कैसे एक प्रोफेशनल मूवी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं एक अनदर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जनरेट प्रेस का थीम को कस्टमाइज करके कैसे आप एक मूवी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल मूवी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप मूवी वेबसाइट के थ्रू अर्न करना चाहते हो तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, किस अप्रोच को फॉलो करना होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।